लाइव ऑडियंस का सपोर्ट देखिए कैसे लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था 20 इयर्स से मैं टीवी शो लिखूंगा। दो साल से इतने अमेजिंग एक्टर्स हैं, दुर्जॉय है माई राइटर, ममता मैम, यश सर है माई प्रोड्यूसर्स, एंड इतनी क्रेजी इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट में ये बुक निकल आई नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड, एंड इट्स अ क्रेजी फीलिंग। मैं नहीं सोचा था मैं 22 साल पे एक और यू नो 22-year-old फिगरिंग आउट सीन होता, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। और आपको क्या लगता है इस बुक का यूएसपी जो है वो क्या है? आप ये बुक पढ़ेंगे, इस बुक के एंड में यू विल रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू मेंटेन दैट वन बेस्ट फ्रेंड इन योर लाइफ, एंड यू वांट टू गो पिक अप द फोन एंड कॉल हिम और हर। दैट हैज बीन माय इंटेंशन विद दिस बुक। सो इट्स अ बुक सेलिब्रेटिंग फ्रेंडशिप, इट्स एन ओल्डन फ्रेंडशिप, सो दिस समर कम फॉल इन लव विद फ्रेंडशिप। हर्षिता को तो मैंने जबरदस्ती बोल के भाई पढ़ ले। हेलो एवरीबॉडी, मैं अभी बताऊं हर्षिता अभी 100 बोल दो। एक मिनट इस पे हूँ, पीछे जाओ पीछे जाओ। हाँ, शिविन वॉज लिविंग फॉर एंड ये पेज पे हो, 74 पेज पे हो। इतनी इंटरेस्टिंग है, बट यही प्रॉब्लम हो गई थी मेरे पास, टाइम नहीं था, पता नहीं ये इतनी इंटेलिजेंट कैसे किसी पढ़ भी ली। दैट्स व्हाई लव हर्षिता, ये मेरी बुक पढ़ लेती है, मैं मेरे दोनों फेवरेट। बट बहुत अच्छी बुक थी, 74 पेजेस पढ़ चुका हूँ मैं। इट्स एंटायरली अ वेरी गुड बुक, एंड in the show also, in the show also you will see what you don't expect, because they always say that expect the unexpected. So bahut sada ha, go read the book, it's a very good life. Thank you so much rolling atapara mar harshita hum aapse janna chahenge ye aakhir ye book देखो पहली बात तो हम लॉन्च नहीं करे, सुमरित शाही करके बहुत अच्छे राइटर है जो जिन्होंने साड्डा हक लॉन्च किया है, उन्होंने ये बुक लॉन्च की है, और उन्होंने इसलिए लॉन्च नहीं किए शो में रणधीर और संयुक्ता बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उन्होंने ये लॉन्च किया है। लेकिन रियल लाइफ में परम और हर्षिता बेस्ट फ्रेंड्स है, बिल्कुल है, और उन्होंने आज तक किस नहीं किया, सॉरी गाइस, और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो यहाँ लाने के लिए बेस्ट लोग थे, क्योंकि उन्होंने किस नहीं किया, लेकिन परम से पूछो तो नहीं जोक था, लेटर ओके। तो आप सुमरित से पूछिए क्वेश्चन, उसके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा कि क्यों उसने ये बुक लिखी और क्यों उसने साड्डा हक के बाद ये बुक लिखी, क्योंकि हमारे लिए तो वी आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी हैव नेवर किस्ड एंड वी अग्री टू द फैक्ट दैट बेस्ट फ्रेंड्स शुड किस कैन बी वेरी विद योर बॉयफ्रेंड कैन गेट यू दैट इमोशनल कनेक्ट, बट विद अ बेस्ट फ्रेंड कैन रूइन योर फ्रेंडशिप आल्सो। But this book is what a nice statement. I made one second. But this book is more about, I think it's more about, it's a lot more about friendship and relationship. It's about that true bond that you share with one guy in your life. Very nice. It's about relationships. Yeah. It's a must read. आप नया काम भी स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, आप लोग आपने ये लंबा चले, आपने ये लिविंग इंडिया न्यूज चैनल लॉन्च किया था तो आपको नहीं लगा होगा, तो जैसे हमें भी नहीं लगा था कि साड्डा हक चलेगा, लेकिन वो चल गया, बिकॉज आप यहाँ पैन कर सकते हैं कैमरा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीज पीपल, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम, ये हमारा शो चला है, दे लाइक्ड इट बिकॉज ऑफ सुमरित, वहाँ पीछे दुर्जॉय खड़ा है, उनके वजह से, हमारे प्रोड्यूसर्स की वजह से, इसके वजह से, कलेक्टिव फ्रॉम द ऑडियंस टू द राइटर्स टू द प्रोड्यूसर टू द एक्टर्स, सबने अपना कैसे पता चला आपको ये पूरा पढ़ क्या है, इनको सब पता है, ठीक है आप बोलो सुमरित, इस बारे में आप ही बोल सकते हैं, हमारे में हम नहीं बोल पाएंगे, चलो ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा सर, आपको तो ग्रुप हक देने का मन करता है, ऐसा नहीं हुआ है, एक स्टोरी है, लकीली उस स्टोरी में इतनी ग्रेविटी है कि ऑडियंस को अच्छी लग रही है, तो उसको आगे लेके जाने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना लेके जाए, तो
साडा हक अगर आप पहले एपिसोड देख रहे हैं कभी उसमें कुछ कन्वेंशनल नहीं होता है, आप कुछ एक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट करते हो और उसका कुछ एकदम उल्टा हो जाता है. तो आज तक वही स्ट्रगल है, वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और मजा आता है रोज अपने आप को चैलेंज करते हैं. राइट, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं? आप शो देखिए ना 6:30 PM मंडे टू फ्राइडे और 10 o'clock और 10 o'clock साथ में आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. देखो खास चीज यही है कि हमारे दोस्त ने लिखी है जो हमारा राइटर है शो का, तो उसे सपोर्ट करने आया, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो उसे सपोर्ट करना है क्योंकि वो हमारे शो का राइटर है. शो की तरह मुझे लगता है बुक भी चलता जाएगा. बिल्कुल चलेगा. अगर मैं जो पढ़ता नहीं है बुक, वो उसने 70 पेजेस पढ़ लिए 2 दिन में, तो वो बहुत बड़ी बात है. बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, मेरी बहन ने पढ़ ली, इसने पढ़ ली शो के दौरान, शो शॉर्ट्स के दौरान. बताइए जरा आप. हाँ जी, मैं आपको बता दूँ, सबको बता दूँ क्या पढ़ा है मैंने. थैंक यू सो मच, थैंक यू. मतलब ही नहीं बनेगा कि बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस था बुक पढ़ने के बाद. आप क्या पूछ रहे थे? मैंने पूरी बुक पढ़ी, इसलिए मैं तुझे कहीं लेके नहीं जाता. मैंने पूरी बुक पढ़ी है, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. जरा बता ना. रणवीर और कोई न्यू सीरियल में दिखेंगे आप लोग? पहले तो साडा हक चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है तक हम हैं, उसके बाद सोचेंगे यार लाइफ में आगे क्या होने वाला है. फिल्म में आने का कुछ प्लान है? बहुत सारे टीवी एक्टर फिल्म में आ रहे हैं, आप लोगों का कुछ प्लान है? हम कुछ भी अच्छा काम करना चाहेंगे. बेस्ट फ्रेंड्स है मेरे. टुमारो इज सुमित राइट्स अ फिल्म. आई नो, वी हैव टू डू इट. Thank you, thank you, thank you so much. Ardaas, you're doing.